अमृत उद्यान स्वागत है आपका हमारे आज के व्लॉग में। घूमने जा रहे हैं मम्मा और पापा के साथ। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अमृत उद्यान, जिसको पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। जंगल। ये हम बुद्धा गार्डन के साइड में से निकल रहे हैं, जिसको मऊ जंगल कह रही है। ये है दिल्ली का VIP एरिया। यहाँ पे एम्बेसीज भी है बहुत सारी, और यही से ही होते हुए हम बीच में से होते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अमृत उद्यान। मम्मा पौधे को सामने की आला मिलती। पौधे को तीन मिलती नहीं है, तीन मूर्ति नहीं है। 3:30 बज चुके हैं और 4 बजे हो जाएगा अमृत उद्यान बंद। हम लोग थोड़ा गलत एंट्री पे आ गए हैं, तो अब हमें सही एंट्री के लिए जाना पड़ रहा है दूसरी जगह। अब हमने अपना रीरूट कर लिया है गूगल के हिसाब से। अब देखें हम कब तक पहुंचते हैं। हम पहुंच गए हैं और हमने ले लिया है पास। ये देखिए, ये है, इसे सिक्योरिटी पे बैग पे चिपकाया गया है। बैग पे सिक्योरिटी चेक का पास। ये है अमृत उद्यान का डायरेक्शन चार्ट। इसमें पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन भी बताए गए हैं, यहाँ के हर्बल गार्डन, बॉन्साई गार्डन और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे। मम्मी ने करा मुगल गार्डन में एंटर, पर मम्मी गई हैं थक, तो मम्मी चली गई वापस। अब हम ही बच्चे और मैं भी जा रहे हैं, और माँ उटंगी है पापा के ऊपर, तो वो वैसे भी पापा के ऊपर ही टंगती है हमेशा। ये हम एंटर कर रहे हैं हर्बल गार्डन के अंदर। ये है हर्बल गार्डन के अंदर के झाड़। फिलहाल हमें तो झाड़ ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हैं वो सब पेड़ पौधे जो कि धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं। यहाँ पर कोई एंट्री फी नहीं है। ये जा रहे हैं हम वाटर पार्क देखने के लिए, अरे सॉरी म्यूजिकल फाउंटेन पार्क। यहाँ पर फाउंटेन्स में जो म्यूजिक बज रहा है ना, वो हमारा देश वाला म्यूजिक बज रहा है। ये गार्डन बना हुआ है राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसे ना सोल ऑफ द प्रेसिडेंशियल पैलेस भी बोलते हैं, और ये अराउंड 15 एकड़ में बना हुआ है। संदीप भी अपने फ़ोन से कैप्चर कर रहे हैं, पर लग बहुत सुंदर रहा है। माओ को बस अपने पापा के ऊपर टंगने के अलावा कोई मतलब नहीं है। यहाँ सूरज छिप गया है बादलों के पीछे। ये है बॉन्साई गार्डन। यहाँ पर हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बॉन्साई प्लांट्स। मुझे तो सबसे सुंदर ये लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताओ। पब्लिक के लिए ना ये गार्डन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए खुलता है, फेब से मार्च तक के लिए। हर साल डेट्स चेंज होती है, इसलिए जब खुलने वाला होता है उससे थोड़े दिन पहले डेट्स को अनाउंस कर देते हैं। यहाँ पे संदीप रंग बिरंगे फूलों के साथ कोशिश कर रहे, बीच में बंदा आ गया। ये यहाँ की रंग बिरंगी फूलों की दुनिया, जिसके आगे फोटोज आती हैं बहुत जबरदस्त। ये बहुत ही वेल मेंटेन गार्डन। आंखों पे धूप पड़ने की वजह से किसी की आंख खुल नहीं रही है। सेल्फी आ रही है जबरदस्त। फूल इतने प्यारे हैं, अलग अलग रंग बिरंगे हैं। यहाँ सभी कलर के रोजेज हैं। यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा संदीप मुझे कैप्चर कर रही है, लोगों को या बादलों को। यहाँ का आर्किटेक्ट मुगल और ब्रिटिशर्स का मिला जुला बनाया हुआ है। अब हम गार्डन में से एग्जिट करने वाले हैं। माओ फिर थक गई, 2 कदम चलते ही थक जाती है, फिर पापा की गोदी चढ़ गया है। जाते जाते ये मिल गया, तो इसे भी कैप्चर कर लिया, बहुत सुंदर लग रहा था। अब हम ये एग्जिट कर गए हैं यहाँ से बाहर। हम मार्च के लास्ट में गए हैं तो थोड़ा कम हो गए थे फ्लावर्स, पर फिर भी काफ़ी कुछ देखने को मिला, हमने बहुत इन्जॉय करा। यहाँ पर चलना काफ़ी पड़ता है, तो मैं और माओ वॉक करते हुए बाहर निकल रहे हैं। फिर चढ़ गई गोदी क्योंकि एग्जिट ही बहुत दूर है। बाहर निकल के खाई हमने आइसक्रीम, तूने चॉकोबार, माओ ने ऑरेंज, पापा ने फीस्ट, मैंने कुल्फी। ये जो रोड साइड आइसक्रीम काउंटर्स लगे हुए होते हैं ना, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ही कलरफुल होते हैं ना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।